तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है देवनाथ अग्रवाल। आज एक नया मोटिवेशन वीडियो आपके लिए बहुत दिनों के बाद। और आज मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट या उन नए सब्सक्राइबर या उन व्यूअर के साथ मैं बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी कोई नया काम पकड़ा है हाथ में या जिन्होंने अपनी लाइफ को शुरू किया है। मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो अभी एक स्टार्टअप की दुनिया में जी रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो जिन्होंने अभी अपना काम जस्ट स्टार्ट किया है। दोस्तों जैसे पहले के टाइम पे अब डिजिटल हो गया है। पहले क्या होता था कि टीचर को अगर कुछ बताना होता था बोर्ड पे लिख देता था। अब क्या होता है, डिजिटल दुनिया में वो दिखा देता है। हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। आज आपको मोटिवेशन, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, पर आइए इसे सीख लेते हैं। और ये देख कर मैं आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लाइफ के एक्चुअल पड़ाव हमारी रियल ज़िंदगी में हमें आते हैं। ये जो आपको कहानी आपको दिखाई देगी, ये कहानी इस मूवी की नहीं, ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी आपकी नहीं, ये कहानी हमारी है दोस्तों। हर एक वो शख्स की कहानी है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। वो भरी वो मोबाइल रिपेयरिंग का एक दुकान खोलना हो, या टेक्नीशियन सीखना, या फिर कंप्यूटर या कॉलेज या कोई सी भी डिग्री हासिल करना। अगर आप एक टारगेट बनाते हैं दोस्तों, और टारगेट को हासिल करने के टाइम पे दोस्तों क्या क्या आप फेस कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। आपको इस क्लिप में क्या दिखा? तो आपको इस क्लिप में दिखाई दिया होगा कि एक आदमी काफ़ी हैरान परेशान अपनी ज़िंदगी से, जो एक टारगेट डिसाइड करता है कि मैं एक पहाड़ है उसको मैं तोड़ के रहूँगा। अब उसकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर उसने एक टारगेट डिसाइड किया। वैसे ही हमारी लाइफ में भी कभी ना कभी कुछ ऐसी सडन चीज़ें होती हैं जिसके बाद हम कोई नया टारगेट डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए ये टारगेट नया है, मैं अब ये अचीव करके रहूँगा। मसलन कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट मसलन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्टर की फील्ड से होते हैं, जो फार्मर की फील्ड से होते हैं, जो अलग अलग फील्ड में से होते हैं, जिनके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, और उससे हट के वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आते हैं। कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में ऐसा होता है जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। बट उसके बाद जब आप एक टारगेट बना लेते हो, फिर आपकी लाइफ में क्या होता है, चलिए भी देखिए। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे। जब हम अपनी लाइफ में, जैसे कि आपने दूसरा पहलू देखा कि जब हम अपनी लाइफ में वो टारगेट को अचीव करते हैं ना, तो थोड़ा शुरू समय में बहुत मज़ा आता है। हमें बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो हर एक चीज़ करने की इच्छा होती है, दिन रात एक करने की इच्छा होती है, सारी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि बस पूरा दे दो अपना। और ये सबके साथ होता है दोस्तों। इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए कभी आप कोई मूवी देखते हैं सलमान खान या किसी की भी, जिसमें आप बॉडी बिल्डिंग के ऐसे लोगों को देखते हैं, तो आपकी भी इच्छा होती है कि मैं भी बॉडी बनाऊँ। जब आप जिम जाते हैं तो शुरू के चार दिन या एक महीने में बहुत मज़ा आता है, पर वो रेगुलर कर पाना आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। जो उसको कंटिन्यू रख लेता है वो बना लेता है, पर एक महीने बाद सडनली बहुत से लोग तो एक हफ्ते में ही छोड़ देते हैं। मुझे पूरा यकीन होगा कि आप जो सुन रहे होंगे, आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि आपको भी कभी सडनली बॉडी बनाने की फील होगा, आपको कभी लगेगा कि मैं एप्स बनाऊं, और आपने जिम ज्वाइन की होगी और आपने जिम का पूरा महीने का या साल का पैसा देकर आप नहीं गए होंगे। तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। देखिए शुरू के पड़ाव, कोई भी मंजिल, जब हम किसी मंजिल को चुनते हैं ना, मुझे यहाँ जाना है, तो शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, पैकिंग करने में, ये करने में, बैठो खाते पीते मस्त आधे रास्ते तक जाते हैं। बट उसके बाद क्या, चलिए ये क्लिप देखिए। अरे दशरथ भाई, हम पागल हैं पागल, ये सही गलत का पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे फेंका उठा रखा हमने, है? हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो ये दूसरी क्लिप देख के आपको क्या लगा?
ये जो फ्रस्ट्रेशन जो इनकी निकल रही है, यही बंदा शुरू में कितना एक्साइटेड था। पहले इसने एक मंजिल पर तय की कि मुझे पत्थर से बड़ा पहाड़ तोड़ना है। दूसरे में कितना खुश, क्या आ गए, बहुत बड़ा डंगल होगा। तीसरे में देखो कैसा अपने आप से लड़ता हुआ, दुनिया इसको पागल बोलती है, उसने समझ भी लिया, उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। बट एंड ऑफ द स्टोरी वो उसके साथ भी उस पत्थर को तोड़ रहा है। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम कोई काम चालू करते हैं ना तो हमें फ्रस्ट्रेशन एक लेवल के बाद इतना जम के होता है, क्योंकि किसी भी काम का कि आपने शुरू किया और 100% वो आपका काम बन गया और आपको प्रॉफिट होने लगा, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। हर एक काम में एक समय सीमा होती है आपको उठने के लिए, और उस टाइम पे एक डाउनफॉल जरूर आता है। अगर आपने वो डाउनफॉल सहन कर लिया, अगर आपको लगा कि मैं वो डाउनफॉल निकाल लूँगा, पर वो डाउनफॉल दोस्तों कभी कभी एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, या कभी 10 साल या 5 साल या उससे भी ऊपर का आ जाता है। अगर वो डाउनफॉल आपने निकाला ना दोस्तों, तो उसके बाद जो लाइफ चेंज होती है वो एक दूसरे लेवल पर जाती है। बट जनरली स्टूडेंट्स जो नए हैं वो ये डाउनफॉल को निकाल ही नहीं पाते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कहानी से मैं ये सबक लेता हूँ कि मैं कोई भी मंजिल अगर तय करता हूँ तो शुरू में मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा, पर बीच में वो मज़ा उतना नहीं रहेगा। ऐसे ही स्टूडेंट के साथ होता है, मोबाइल रिपेयरिंग करने बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, किसी की देखा दिखाई कि चलो यार मैं भी कर लेता हूँ। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना, लैपटॉप सीखना हो, टीवी रिपेयरिंग सीखना हो, या किसी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, या ये सोचते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, एंड्रॉयड ऐप बना लूँगा, मैं आईफोन iOS ऐप बना लेता हूँ, वेबसाइट बनाऊँगा, कुछ भी, मैं गिटार सीख लेता हूँ। शुरू में बहुत मज़ा आता है, पैसे खर्च करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, पर जब सीखने के पीरियड में जब उलझ जाते हैं, जब उनको पता है कि हम अगर कंटिन्यू रखेंगे तो उलझे हुए सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे एक नए दिन, और वो आगे बढ़ेंगे, बट उस समय उनके कुछ हालात या वो वापस पीछे आ जाते हैं और फिर आकर जीरो पे खड़े हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी मंजिल को चुनो तो आखिरी तक जाओ, और आखिरी में आपको क्या मिलता है देख लीजिए। अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठाओ। तो आपने देखा इनको क्या मिला, अगर आप निरंतर अपने काम को करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो आप वो सब पा लेंगे जो आप पा सकते हैं। उस टाइम आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत निराशा भी हाथ लगेगी, बट देखना ये है कि आप मज़े के लिए काम कर रहे हो या निराशा के लिए या फिर आउटपुट के लिए। तो दोस्तों मैं सच बताऊं कि कभी भी आउटपुट के लिए कभी कोई काम मत करो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज सुबह उठ के ये काम करूंगा तो शाम को ये आउटपुट मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी भी काम के आउटपुट के लिए काम मत करो, उस काम को ख़त्म करने के लिए करो। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए अगर आप करोगे, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे वही काम जब आप ख़त्म करोगे 10 घंटे में, तो वही 8 घंटे, वही 5 घंटे, और एक टाइम वो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में ख़त्म कर लोगे, और उस टाइम पर आप मास्टर हो जाओगे। तो दोस्तों देवदान अग्रवाल ये कहना चाहता है कि अपने काम की स्पीड को जज करो, भाग्य को जज मत करो, क्योंकि अगर किसी को भी कुंडली दिखाने जाओगे ना तो भाग्य तो सबका ही राजयोग है, पर मिलता सिर्फ एक को है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको बताएं जरूर कमेंट करके, और अगर आप नए से हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए मोबाइल रिपेयरिंग के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर, और जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।